and welcome to Digital News Pakistan's digital channel. Let's talk about the new global health emergency. आज हम उस global health emergency के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा attention ले रही है, जिसका नाम है mpox या monkey pox. mpox या monkey pox एक वो viral condition है जो कि वो सारे cardinal symptoms और signs देती है जो कि viral conditions में बहुत common होते हैं, जिसमें fever, headache, muscle ache, lymph node swelling और exhaustion आ जाता है. साथ ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक रैश की अपीयरेंस दिखाती है जो कि एक रेड बम से लेकर ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस में टर्न हो जाता है. अब हम बात करेंगे इसके नए वेरिएंट की जो कि पिछले वेरिएंट से थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है क्लेड 1B. mpox या मंकी पॉक्स का न्यू वेरिएंट जो कि क्लेड 1B के नाम से मशहूर है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. उसके कंट्रोल की डिफिकल्टी उसका रैपिड रेट एवोल्यूशन और साथ साथ उसका क्विक ट्रांसमिशन है, और इसी बिना पे ये पोटेंशियली एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है. लेट्स गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस न्यू वेरिएंट. हम बात करते हैं इसके ओरिजिन और ट्रांसमिशन की. क्लेड 1B का ओरिजिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हुआ और हमें काफी ज्यादा केसेस और डेथ्स कंफर्म हुई. इसी बिना पे हमें ये पता चला कि इसका ट्रांसमिशन और इसका एवोल्यूशन कितना ज्यादा और कितना रैपिडली ग्रोथ रेट पे है. mpox का ये वेरिएंट अब अफ्रीका के दूसरे रीजन्स के साथ साथ ग्लोबली भी काफी फास्टर रेट पे ग्रो कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है. जब हम इसकी म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसकी म्यूटेशन कंपैरेटिव टू प्रीवियस वेरिएंट्स काफी ज्यादा फास्टर और क्विकर है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो रहा है. इसका फास्टर ग्रोथ रेट और इसकी रैपिड ट्रांसमिशन की वजह से WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर लिया है. जैसे कि हमने ऑलरेडी इसके सिम्टम्स की बात की, तो इसके सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, मसल एक, लिम्फ नोड स्वेलिंग और एक कैरेक्टरिस्टिक रैश आता है. mpox या मंकी पॉक्स की ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा रैपिड है और इसकी प्राइमरी ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड या अफेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने से आती है. इसके क्लोज कॉन्टेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड्स, जिसमें उसके स्कैब्स और रैशेस के फ्लूइड से बहुत इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है. इसके साथ साथ ये कंटेमिनेटेड मटेरियल्स और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से भी बहुत ही इजीली ट्रांसमिट करता है. आइए mpox के मैनेजमेंट चैलेंजेस की बात करते हैं. कुछ रीजन्स में जो के mpox से अफेक्टेड हैं, उनमें हेल्थ केयर सिस्टम्स की लिमिटेशंस, जिसमें डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज आ जाती हैं, उसकी वजह से इस कंडीशन या इस वायरल इशू के आउटब्रेक को कंट्रोल और मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो रहा है. कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज, जिसमें टेस्टिंग सप्लायर्स की डेफिशिएंसी या कमी, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से इस कंडीशन के आउटब्रेक को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है. मैनेजमेंट कंसर्न्स में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न इस वेरिएंट का रैपिड म्यूटेशन है, और ये रैपिड म्यूटेशन ट्रेडिशनल अप्रोचेस के थ्रू कंट्रोल होना मुश्किल है. mpox के इस रैपिडली म्यूटेटेड वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी है प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन. प्रिवेंशन के लिए इट्स हाईली इम्पोर्टेंट टू अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट with the infected person or with a person who is suspected to this virus. इस rapidly transmissible condition से बचने के लिए vaccinate होना बहुत जरूरी है. Globally, काफी regions में इस variant के vaccines available हैं. So, it's highly important to get those vaccines done if it's in your approach. Now, let me share some pointers on the National Institute of Health Advisory and Pakistan's response towards the control of mpox. National Institute of Health Advisory, different healthcare institutions, organizations or healthcare centers ko advise kar rahi hai ke wo apne surveillance system ko active kare, apni diagnosis
डायग्नोस्टिक और हेल्थ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज को एनहांस करें और प्रिवेंटिव मेजर्स को स्ट्रेंथन करें, जिसकी वजह से इस मेडिकल कंसर्न के स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके। और ये स्टेप ग्लोबल कोऑपरेशन के नीड को एम्फसाइज करता है। आइए अब पाकिस्तानी रिस्पांस देखते हैं टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ मंकी पॉक्स और एमपॉक्स। पाकिस्तान ने वो सारे सस्पेक्टेड केसेस को नेगेटिव कंफर्म किया है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम की इफेक्टिवनेस को डेमोंस्ट्रेट करता है। अप्रैल 2023 से पाकिस्तान ने 11 केसेस कंफर्म और एक डेथ को कंफर्म किया है। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स दैट पाकिस्तानीज कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ एमपॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस एंड टू स्टे इनफॉर्म्ड। जो न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू मेजर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। नंबर टू, अच्छे हाइजीन मैनुअल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से सही से धोएं और कोशिश करें कि क्लोज कॉन्टेक्ट में ना आए। नंबर थ्री, गेट वैक्सीनेटेड। अगर आप उस रीजन में हैं जहां पे ज्यादा सस्पेक्शन है या जहां पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो प्लीज गेट द वैक्सीन डन एज सून एज पॉसिबल। If you come across any of the symptoms related to mpox या आपको कोई भी emergency experience होती है, please approach your healthcare providers. Also, tell them and aware them about their recent travel history ताकि mpox के spread और transmission को जल्द से जल्द control किया जा सके। इस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए और इस इमरजेंसी से बचने के लिए जरूरी है कि आप इन्फॉर्म रहें, प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें और अपने आप को क्लोज कांटेक्ट में आने से बचाएं। आइए मिलके इस न्यू वेरिएंट को हटाने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी, कंसर्न या क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज पाकिस्तान डिजिटल चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।